कन्नौज में पुलिस की मुस्तैदी को बदमाश लगातार चुनौती दे रहे हैं। यहां के एक सौरिक थाना क्षेत्र के प्रेम नगर का जितेंद्र लोडर से भैंस खरीदने घर से निकला था। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के डिपिया गांव के सामने अज्ञात बदमाशों ने लोडर पर पत्थरबाजी कर उसे रोक लिया। लोडर रुकते ही बदमाशों ने चालक और जितेंद्र के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश जितेंद्र से बदमाशों ने 40,000 रुपए लूट कर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त लोडर थाने में खड़ा कर जांच शुरू कर दी है। पेड़ में गाड़ी उठ गई। इसके बाद दो आदमी आए, एकदम खिड़की खोल के नीचे खींचा, फिर वही इन्होंने मारा। उसे जब मार कूट के फिर बाद में गाड़ी के अंदर डाल दी। पैसे थे, मैं तो लेने जा रहा हूँ 40,000 रुपये।